सोयाबीन वायदा कारोबार जल्द हो सकता है शुरू। जी हाँ, कमोडिटी पार्टिसिपेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यानी सीपीआई ने वायदा कारोबार में बीते वर्ष से जारी सरकारी प्रतिबंध हटाने की मांग की है। सीपीआई ने सेबी को पत्र लिखकर 7 एग्री कमोडिटीज में वायदा कारोबार फिर से शुरू करने की मांग की है। दरअसल बीते साल दिसंबर में सेबी ने सरकार की सिफारिश के बाद सोयाबीन, सरसों, चना, गेहूँ, धान, मूंग, सीपीओ में वायदा कारोबार को प्रतिबंधित कर दिया था। अब एसोसिएशन ने हवाला दिया है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सोयाबीन का स्टॉक अच्छा है। नई फसल आए हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन बाजार में दामों में नरमी देखी जा रही है। दरअसल सीपीआई ने कहा है कि वायदा के कारण हेजिंग की सुविधा किसानों के लिए बंद हो गई है। ऐसे में किसानों को फसलों के अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे। एक ओर वायदा कारोबार शुरू करने की मांग उठ रही है, तो दूसरी ओर दी सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा ने वायदा कारोबार पर प्रतिबंध जारी रखने की सिफारिश की है। मिल मालिक और प्रोसेसर कह रहे हैं कि अगर वायदा कारोबार शुरू किया जाता है तो बाजार में सट्टेबाज हावी हो जाएंगे। ऐसे में मिलों का कच्चा माल महंगा मिलेगा और ऐसे में देश के उद्योगों और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। बीते दिनों देखने को मिल रही खुदरा महंगाई दर में कमी को लेकर सरकार फिलहाल खुश होती दिखाई दे रही है। अर्जेंटीना के किसानों ने एक बार फिर अपने सोयाबीन के बचे हुए स्टॉक की बिक्री शुरू कर दी है, जिससे क्रशिंग, प्रोसेसिंग उद्योग और निर्यातकों को अच्छी मात्रा में इसकी खरीद करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना संसार में सोयाबीन का तीसरा सबसे प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है। वहीं सोया तेल और सोया मिल के निर्यात में प्रथम स्थान पर है। अर्जेंटीना की स्थिति कमजोर होने के कारण वहां की सरकार को विदेशी मुद्रा की सख्त जरूरत है। इसे देखते हुए वो देश में सोयाबीन और उसके उत्पादों का निर्यात बढ़ाना चाह रही है, ताकि इस पर लगे सीमा शुल्क की वसूली से इसका राजस्व बढ़ सके। वहीं 2021-22 के सीजन में अर्जेंटीना में करीब 440 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। यदि इसमें से 76% की बिक्री हुई तो इसका मतलब है कि किसानों के पास अभी भी लगभग 125 से 130 लाख टन सोयाबीन का स्टॉक मौजूद है। फसल के लिए बोनी अभी भी जारी है। अभी तक अर्जेंटीना में करीब 8,12,000 टन सोयाबीन की बिक्री हुई है। इधर मार्केट की अगर बात की जाए तो इंदौर मार्केट में सोया तेल में ग्राहकी सुस्त रहने के चलते कीमतों में फिलहाल कोई बहुत ज्यादा मंदी तेजी देखने को नहीं मिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।